दोनों विकासशील देशों, निजी निगमों और विश्वविद्यालयों में छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है, जो कि वाणिज्यिक भू अवलोकन और संचार उपग्रहों की मांग से प्रेरित है। उपग्रहों के संचालक अब कम लागत वाले तथा लचीले प्रकार के प्रक्षेपण समाधानों की खोज में हैं, जो बड़े प्रक्षेपण यान से संभव नहीं है। वर्तमान में इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों को PSLV द्वारा किसी अन्य उपग्रह के साथ या फिर अकेले ही प्रक्षेपित किया जा रहा है। PSLV काफी भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है एवं ये विशिष्ट श्रेणी के भारी उपग्रहों के लिए उपयुक्त है। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए छोटा प्रक्षेपण यान ही बेहतर विकल्प है। इसीलिए उपभोक्ताओं एवं देश की आवश्यकता के अनुसार छोटे उपग्रहों के लिए समर्पित छोटा प्रक्षेपण यान बनाने पर विचार किया गया, जिससे यान की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया नवीनतम प्रक्षेपण यान है। ये एक बार में 500 किलोग्राम के वजन तक के एक या कई नैनो, माइक्रो या कम वजन वाले मिनी उपग्रहों को एक साथ 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। SSLV तीन चरणों वाला यान है, जिसके सभी चरण ठोस प्रणोदन आधारित हैं एवं टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। SSLV का व्यास 2 मीटर एवं लंबाई 34 मीटर है। इसका लिफ्ट ऑफ वजन लगभग 120 टन है। SSLV, PSLV, GSLV एवं LVM3 की पीढ़ी का युवा सदस्य है, जिसमें अपने पूर्ववर्ती तीनों यानों के बेहतरीन गुण तो हैं ही, साथ ही उसमें उसके अपने कार्य के अनुसार कुछ नई तकनीकें भी शामिल हैं। इसरो के ठोस मोटर समूह में 2 नई ठोस मोटर SS1 एवं SS3 शामिल की गई हैं। SS1 मोटर इसरो की तीसरी सबसे बड़ी ठोस बूस्टर है, जबकि SS3 मोटर नई कंपोजिट ऊपरी चरण की ठोस मोटर है। SSLV को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो स्टैंडर्ड इंटरफेस के साथ प्रक्षेपण के लिए उसकी अभिकल्पना से लेकर अंतिम उत्पाद तक के औद्योगिक उत्पादन हेतु एक तैयार यान बन सके। SSLV D1 की पहली उड़ान का उद्देश्य अंतरिक्ष यान के डिजाइन किए गए पेलोड की टर्मिनल लिक्विड स्टेज को पुनः शुरू करके पृथ्वी की निचली कक्षा के अतिरिक्त एक साथ कई अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित करने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। SSLV D1 EOS-2 उपग्रह एवं सहयात्री उपग्रह आजादी सैट को पृथ्वी की 356 किलोमीटर गोलाकार निचली कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। EOS-2 135 किलोग्राम का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। ये नई तकनीकों द्वारा कृषि, वानिकी, भू विज्ञान एवं जल विज्ञान के क्षेत्रों के विभिन्न अनुप्रयोगों में सहयोग करेगा। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने 7.3 किलोग्राम के एक नैनो उपग्रह आजादी सैट के निर्माण की पहल की है। SSLV D1 को SDSC शार श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। SSLV कम लागत का प्रक्षेपण यान है, जो उपग्रह ऑपरेटरों को कक्षा एवं शेड्यूल के संदर्भ में एक ही बार में कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की सुविधा प्रदान करेगा। वे जरूरत के अनुसार कभी भी कहीं भी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस यान को प्रक्षेपण के लिए मात्र एक न्यूनतम बुनियादी ढांचे की ही आवश्यकता होती है। इसे बहुत कम समय में ही प्रक्षेपण के लिए तैयार किया जा सकता है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को इसरो के आगामी वर्कहॉर्स रॉकेट के रूप में देखा जा रहा है। ये भविष्य में वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा।